गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, आज आपको दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली कार के बारे में बताते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, दुनिया में फास्ट स्पीड वाली ऐसी ऐसी कारें मौजूद है जो कि रफ्तार के मामले में तूफान को भी मात देती है, और ये सुपर कारें घंटे भर में 300 से 400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। गाइस, अब आपको दुनिया की 5 सबसे तेज रफ्तार वाली कारों के बारे में बताते हैं। इसमें नंबर 1 पर है बुगट्टी चिरोन। गाइस, ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली 5वीं कार है और इसकी टॉप स्पीड करीब 420 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस खूबसूरत कार की कीमत करीब 19 करोड़ रुपए है। और इसी में नंबर 2 पर है बुगट्टी वैरोन सुपर स्पोर्ट, और ये धासु कार दुनिया की 4थी सबसे तेज रफ्तार वाली कार है। हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधार पर ये दुनिया की दूसरी सबसे तेज स्पीड वाली कार है, और इसकी टॉप स्पीड करीब 431 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। और इसी में नंबर 3 पर है हेनेसी वैंडोन जीटी। इस सुपर कार की टॉप स्पीड करीब 434 किलोमीटर प्रति घंटा है। साल 2014 में हेनेसी वैंडोन जीटी 270 माइल प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी थी, और इसकी कीमत 1.2 मिलियन US डॉलर यानी करीब 8.59 करोड़ रुपए है। इसमें नंबर 4 पर है कोनिग्सेग RS, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधार पर ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली कार है। हालांकि इस लिस्ट के हिसाब से ये 4थी सबसे तेज रफ्तार वाली कार है, और इसमें 1160 HP पावर वाला इंजन दिया गया है, और इसकी टॉप स्पीड करीब 447 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी कीमत 2.5 मिलियन कैनेडियन डॉलर यानी करीब 13.57 करोड़ रुपए है। और इसी में नंबर 5 पर है हेनेसी वैनोम PF5। इस शानदार सुपरकार में 1600 HP पावर वाला 7.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन दिया गया है। ये कार मात्र 3 सेकंड में 0 से 400 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने के बाद फिर 0 की स्पीड पर आ सकती है। इसकी टॉप स्पीड करीब 484 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि अभी इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली इस कार की कीमत 1.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 11.45 करोड़ रुपए है। तो गाइज, आप अपनी कार के बारे में कुछ बताना चाहें तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।